11 नवंबर को एटा में स्वर्णिम विमर्श उत्सव का आगाज हो चुका है। इस अवसर पर समग्र जैन समाज द्वारा स्वर्णिम बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की संघस्थ संचालिका बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी भी उपस्थित रहीं। जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव एवं दीक्षा रजत जयंती महोत्सव का 3 दिवसीय भव्य आयोजन एटा नगरी में होने जा रहा है। 13, 14 एवं 15 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम का आगाज 11 नवंबर को एक विशाल बाइक रैली के साथ किया गया। ये रैली शहीद पार्क से शुरू हुई और फिर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज परिसर पर समाप्त हुई। इस स्वर्णिम बाइक रैली का संचालन बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी ने किया, जिसकी जानकारी गुरु भक्तों ने दी। एटा की पावन धरा पर 13, 14, 15 तारीख को आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य स्वर्णिम विमर्श उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आगाज आज दिनांक 11 नवंबर 2022 को भव्य स्वर्णिम बाइक रैली के साथ हुआ, जिसमें जैन समाज ने बहुत ही भारी संख्या में प्रतिभाग किया, जिसका दिशा निर्देशन आचार्य श्री विमर्श सागर महाराज के संघ संचालिका बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी ने किया। इस रैली में दूर दराज से ये रैली साधारण नहीं थी, इस रैली को आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त था। इसमें सभी गुरु भक्तों का उद्देश्य हाथों में ध्वज लेकर धर्म की प्रभावना करना था। जैन फोकस के लिए एटा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।